नेताओं को सलाम करना 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 26 जुलाई का दिन जहां कारगिल विजय दिवस के लिए जाना जाता है, वहीं अब यह दिन पीएम मोदी के एक और कारनामे के लिए भी जाना जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर शिंकुला दर्रे पर टनल का शिलान्यास कर दिया। भारत के इस कदम से अब चीन की छाती पर इंडियन आर्मी पलक झपकते ही पहुंच जाएगी। वहीं देश में रहकर चीन के लिए काम करने वालों की भी अब खैर नहीं। क्यों खास है शिंकुला टनल? पीएम मोदी के एक्शन से चीन परेशान, अब चीन की छाती पर इंडियन आर्मी। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर शिंकुला टनल बनाई जाएगी। पहले नॉर्थ पोर्टल पर ब्लास्ट से काम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिंकुला टनल का शिलान्यास किया है। मोदी 3.0 में एक और बड़ी कामयाबी भारत के हिस्से में आ चुकी है। इस टनल को लेकर सबसे ज्यादा परेशान चीन है। वहीं देश में रहकर चीन के इशारे पर काम करने वाले नेता भी चौकन्ने हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को देश के एक ऐसी टनल की नींव रखी है जिससे चीन में खलबली मच गई है। दरअसल पीएम ने लद्दाख के शिंकुला दर्रे यानी कि टनल का कंस्ट्रक्शन का वर्चुअली विस्फोटक करके इसकी नींव रखी। ये टनल सेना के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। ये इंडियन आर्मी को हर मौसम में LAC पर एक्सेस देगा। साथ ही चीन के किसी भी नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने में भारतीय सेना की मदद होगी। इस टनल के निर्माण से लद्दाख में पूरे साल सुचारू रूप से आवाजाही हो सकेगी और सेना को हथियार, गोला बारूद और उनकी गाड़ियां आराम से जा सकेंगे। शिंकुला दर्रे टनल की रणनीतिक रूप में अगर कहें तो काफी महत्वपूर्ण है। 15,800 फीट की ऊंचाई पर 4.1 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। ये ट्विन ट्यूब टनल है जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO निम्मू पदम दारचा सड़क पर कर रही है। साथ ही इस टनल के निर्माण से लद्दाख जाने के लिए सेना को करीब 100 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। भारत के खराब मौसम और भूभाग की स्थितियों के बावजूद चीन के साथ लगी सीमाओं पर सुरंगों का निर्माण यहाँ पर जो है वो मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसी को देखते हुए मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है जो चीन के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से। चीन अक्साई चीन में अपनी सेना के लिए रेलवे नेटवर्क बिछा रहा है। वहीं 26 जुलाई को मोदी सरकार ने लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए शिंकुला टनल की नींव रख दी है। इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मौसम चाहे जैसा भी हो, इस सुरंग से सफर आसान और छोटा हो जाएगा। भारत चीन सीमा को लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में भारत चीन सीमा की निगरानी करने वाली ITBP की 7 अतिरिक्त बटालियन का गठन, चीन सीमा से सटे गांवों में पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कई और बुनियादी सुविधाओं का विकास भी शामिल है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इलाके में लगातार भारत को तनाव देता रहा है, लेकिन मौसम के चलते यहाँ की कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही है। लिहाजा टनल बन जाने से यहाँ का आवागमन बढ़ेगा और सेना की चौकसी भी। इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये लद्दाख में निमू कारगिल के साथ साथ लेह के करीब है। इसका मतलब यह है कि अगर कारगिल सियाचिन सेक्टर या पूर्वी लद्दाख में LAC पर कभी तनाव होता है तो भारतीय सेना को सैन्य सामानों को उपलब्ध कराने में आसानी होगी। 2025 तक बन जाएगी सुरंग। इस परियोजना की कुल लागत 1681.51 करोड़ रुपए है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची सुरंग है। ये 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और इसकी लंबाई 4.25 किलोमीटर है, जिसमें जांसकर घाटी में पर्यटन बढ़ेगा और यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यहाँ का जो इलाका है वो विकास से काफी दूर रहा है। देश के दूसरे हिस्सों से लद्दाख की कनेक्टिविटी के लिए फिलहाल 2 ही रास्ते हैं, जिनमें से एक है श्रीनगर कलगिल ले और दूसरा मनाली उपशी ले NH1। हालांकि इसके अलावा तीसरा रास्ता भी है जिसे निमू पदम दारचा रोड नाम दिया गया है। इसका निर्माण का काम चल रहा है और मौसम खराब होने पर ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। भारी बर्फबारी के वक्त यहाँ सफर नामुमकिन हो जाता है और ऐसे मौसम में इन सभी सड़कों और इन इलाकों में करीब करीब 6 महीने तक आने जाने के लिए हर रास्ता बंद कर दिया जाता है।
ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए यहां टनल बनाया जाना बेहद जरूरी था। टनल बन जाने से यहां आने जाने का सफर जो है वो अब बेहद आसान हो जाएगा। शिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची टनल। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की यह सबसे ऊंची टनल होगी। ये निर्माण बीआरओ की तरफ से करवाया जा रहा है और इसे मनाली, जांस्कर, कारगिल, लद्दाख, लेह तक साल भर सेना का रसद और बाकी का सामान आसानी से पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही शिंकुला दर्रे पर जो ये टनल है उससे मनाली और लेह की दूरी भी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। शिंकुला दर्रे पर 4 किलोमीटर 250 मीटर टनल निर्माण से लाहौल स्पीति, लद्दाख और लेह में यहां पर साल भर देश दुनिया के पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। देश भर के 14 राज्यों में बीआरओ बॉर्डर के साथ साथ सटे राज्यों में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है, जिससे देश की सीमाओं से सटे ग्रामीण इलाकों के लोगों को सड़क की सुविधा मिलेगी। साथ ही सामरिक दृष्टि से भी ये सड़कें आर्मी के लिए 12 महीने यहां पर सीमाओं पर रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। चीन की सीमा पर फोकस। हाल ही में भारत ने चीन की सीमा पर लगे अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, चारिद्वार, तवांग रोड पर 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 825 करोड़ रुपए की लागत की सेला सुरंग भी बनाई थी। ये सुरंगें न सिर्फ जंग के हालात बल्कि सेना की आसानी से आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये जंग के दौरान गोला बारूद, मिसाइलें, ईंधन और दूसरे आपूर्ति के भूमिगत भंडारण के लिए भी इस्तेमाल में आ सकती हैं। साल 2019 में चीन के साथ साथ गलवान में झड़प के बाद यानी 5 साल से चीन से सटे बॉर्डर वाले इलाके में सेना और सैन्य इक्विपमेंट की सुचारू सप्लाई और किसी भी मौसम में देश के दुश्मनों से आसानी से निपटने के लिए लगातार विकास किया जा रहा है और ये उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएम मोदी ने भी लद्दाख में इंडियन आर्मी की मजबूती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि आज इंडियन आर्मी के तीनों फॉर्मेट पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत हुए हैं, जबकि कांग्रेस के वक्त आर्मी का काम सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नेताओं को सलामी ठोकने का रह गया था। यानी एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है और बताया है कि इन 10 सालों में न सिर्फ देश का बल्कि तीनों सेनाओं को भी मजबूत करने का काम मोदी सरकार ने किया है। दरअसल पीएम मोदी कारगिल दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर बोल रहे थे, जहां तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी ने कारगिल दिवस के मौके पर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। मैं जहां खड़ा हूं वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। कई कमेटियों में यह विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले से इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दी। कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना का मतलब है 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है।
दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। मोदी ने आगे कहा कि 35 साल बाद श्रीनगर में ताजिया निकला, धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लद्दाख में भी विकास की नई धारा बह रही है। शिकुलना टनल का काम शुरू हो चुका है, इससे लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। यह टनल लद्दाख के बेहतर भविष्य का नया रास्ता खोलेगी और हम सभी जानते हैं कि कठोर मौसम में यहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। टनल के बनने से ये काम आसानी से होंगे और मैं लद्दाख के भाई बहनों को इसके लिए बधाई देता हूँ। शिंकुला टनल के निर्माण से लद्दाख का चौतरफा विकास होगा। इसके साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति में भी यहाँ पर उसे बड़ा झटका लगा है। तो जो शिंकुला टनल का जो आज नींव रखी गई है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण और जो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी, यानी देशवासियों को पीएम मोदी ने एक बार फिर बड़ा तोहफा दिया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।